Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in the EVS class. I'm sure you all are good, happy and healthy and safe in your homes. This is our EVS class children and we are doing the revision of chapter number 7. Our course is completed. So now we have started with the revision work. Course हमारा complete हो गया है और हमने revision start किया है, ठीक है? So first we have started. I have started with revision of lessons for evaluation 2. जो evaluation 2 में जो lessons आते हैं, उनका मैंने revision start किया है, ठीक है? Evaluation 2 का course मैंने सबको बता दिया है. Lesson 7 to lesson 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? तो 7 से 13 तक है, so I have started with the revision of lesson number 7, okay? ठीक है? In this chapter, we have learnt about different type of people who work in our neighborhood. जो हमारे नेबरहुड प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो अलग अलग तरह के लोग, मतलब अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरह के लोग मैं नहीं बोलूंगी, people who are involved in different types of work, जो अलग अलग तरह के काम करते हैं लोग, उनके बारे में हमने पढ़ा, they play a very important role, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे, तो हम अपने प्रॉब्लम के लिए, अपने काम के लिए हम किसके पास जाएंगे? कहाँ पे हम जाके काम पूरा करवाएंगे अपना? तो जो हमारे नेबरहुड प्लेसेस पे, जैसे मार्केट में, हॉस्पिटल्स में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, और उसके अलावा अलग अलग भी जो काम करते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, शूज हमारे खराब होंगे, अगर हमको शूज ठीक कराना है, टूट गया है, तो हमको कॉबलर के पास ही जाना होगा. कपड़े स्टिच कराने हैं तो वी विल हैव टू गो टू अ टेलर ओनली. वेजिटेबल्स खरीदनी है तो हम ग्रीन ग्रॉसर के पास ही जाएंगे. फ्रूट्स खरीदने हैं तो हम शॉपकीपर, हम फ्रूट सेलर के पास ही जाएंगे. ओके, सो देयरफॉर ऑल दीज पीपल दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. स्वीपर है, क्लीनर है, डोमेस्टिक हेल्पर, देन वॉचमैन, गार्ड, बार्बर, टेलर, कॉबलर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फूड सेलर, वेजिटेबल सेलर, बेकर. मार्केट में भी जब हम जाते हैं तो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वी गो टू डिफरेंट शॉप्स. वी डू नॉट गेट ईच एंड एवरीथिंग एट द सेम शॉप. अलग अलग शॉप में अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो हम अलग अलग शॉप्स में जाते हैं सामान खरीदने. ठीक है, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, जो शॉपकीपर वगैरह जो मार्केट में है, इसके अलावा जब हम बैंक जाते हैं, देर आर सो मेनी पीपल वर्किंग इन अ बैंक, वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारा काम करते हैं. फिर हमें पैसे विड्रॉ करने हैं तो हम उनके थ्रू विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करना है. और इफ वी हैव एनी अदर वर्क, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जितने भी इस तरह के प्लेसेस हैं, सब जगह अलग अलग लोग, मतलब पीपल वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी हेल्पफुल टू अस. देन पीपल हु एंटरटेन अस, मतलब हर समय तो काम नहीं करते, कभी कभी काम करते करते थक जाते, तो वी टेक सम रेस्ट, थोड़ा सा टीवी देखा, थोड़ा सा कोई मूवी देखी. तो उसमें जो लोग काम करते हैं, दे एंटरटेनर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटरटेनर. जैसे सिंगर है, डांसर है, एक्टर है, कॉमेडियंस हैं, दे आर ऑल एंटरटेनर. ठीक है, सो इन आवर नेबरहुड एवरीवन डज समथिंग और द अदर. उसके बाद फिर उन्होंने बताया था कि हमारी ड्यूटी क्या है, वॉट आर अवर ड्यूटीज टूवर्ड्स अवर नेबरहुड, मतलब हमारे नेबरहुड के लिए हमारी क्या ड्यूटी है. नेबरहुड सारे लोगों से मिलकर बनता है, ओनली वन पर्सन विल नॉट मेक इट, इट इज मेड अप ऑफ एवरी वन. सारे लोग नेबरहुड में मिलजुल करके रहते हैं, तो एवरी वन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. हर किसी को नेबरहुड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है. इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंस कि जो हमारी ड्यूटी है तो वो हमें परफॉर्म करना बहुत जरूरी है. ठीक है, ट्राई दिस मैंने बता दिया था. डिड यू नो वी हैड स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस. तो हमने एक्सरसाइजेस में
पिक द करेक्ट ऑप्शन किया था, मैच द कॉलम किया था एंड ट्रू एंड फॉल्स किया था. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट विथ डी. ठीक है, डी साल में स्टार्ट करूंगी. आंसर द फॉलोइंग. डी इज आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट इज नेम फोर प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स आर द पीपल हु वर्क इन एनी प्रोफेशन. जो काम करते हैं दे आर प्रोफेशनल्स. जैसे डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल, टीचर है, जो बैंक में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैंकर्स. बैंकर इज अ प्रोफेशनल. जैसे आपके पेरेंट्स, आपके फादर आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, सो दे आर इन गवर्नमेंट जॉब बाय प्रोफेशन, वो भी प्रोफेशनल है. सो फोर प्रोफेशनल काम है नाम लिखना है. जो अलग अलग किसी भी अलग अलग काम जो लोग करते हैं दे आर नोन एज प्रोफेशनल्स. सो वी कैन राइट फोर प्रोफेशनल्स में जो लोग बैंक में काम करते हैं दे आर नोन एज बैंकर. तो हम बैंकर लिख सकते हैं, पीपल हु वर्क इन बैंक. ठीक है, बैंकर. डॉक्टर्स, डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स बिकॉज दे वर्क इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन. टीचर्स, टीचर्स आर ऑल्सो प्रोफेशनल बिकॉज दे ऑल्सो वर्क इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन. एक खास प्रोफेशन में काम करते हैं. ऐसा तो नहीं कि आज टीचिंग कर ली, कल कुछ और कर लिया, परसों कुछ और कर लिया. एक प्रोफेशन में काम करते हैं तो टीचर्स आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स. देन पी एच ओ टी ओ जी आर ए पी एच ई आर फोटोग्राफर. फोटोग्राफर इज ऑल्सो प्रोफेशनल. ऐसे तो जैसे मैंने बताया था कि आजकल आप कोई फोटो क्लिक कर लेता है, बट जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं दे हैव वेरी गुड क्वालिटी कैमरा. उनके पास कैमरे के अलावा और बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको कि वो कैमरे में अटैच करके जब फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो फोटोग्राफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है. फोटोग्राफ इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी. ओके, तो जो किसी खास ओकेजन की फोटो है, या बहुत सारे होते हैं फोटोग्राफर जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स की, बर्ड्स की, जंगल्स में जाकर जो करते हैं, सो दीज आर फॉर प्रोफेशनल्स. ओके, नेम द प्रोफेशन ऑफ योर फादर मदर. चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी डन दीज एक्सरसाइजेस. जब हमने इसके पहले लेसन पढ़ा था तो हम ये एक्सरसाइजेस सारी कर चुके हैं. दिस इज रिविजन एंड आई एम डूइंग द एक्सरसाइजेस वंस अगेन सो दैट इफ एनी वन ऑफ यू हैव मिस्ड आउट. अगर किसी का कोई भी वर्क छूट गया है तो आप उसको दोबारा कर सकते हो. ठीक है, नेम द प्रोफेशन ऑफ योर फादर. Name the profession of your children. Just a minute. Profession of your फादर. अधिकतर बच्चों के फादर सर्विस नहीं है तो मैं प्रोफेशन में सर्विस लिख रही हूं. एंड मदर, किसी की मदर हाउसवाइफ हो सकती है, हाउसवाइफ हो सकती है, या किसी की मदर, बहुत सारे बच्चों की मम्मी आई थिंक टीचर भी है. बहुत सारे बच्चों की मम्मी जो है वो टीचर है, टीचिंग करती है, तो मैंने इसमें हाउसवाइफ ऑब्लिक टीचर लिखा है. हाउसवाइफ का मतलब होता है हाउसवाइफ मतलब जो घर पे रह करके जो पूरा घर मैनेज करना, घर देखना. वी से हाउसवाइफ मतलब हाउसवाइफ को मैं ऐसे कंसिडर करती हूँ एज ए मतलब जैसे वो लोग कोई काम पे नहीं जाते हैं, बट हाउसवाइफ इट्सेल्फ इज अ वेरी
बिग जॉब, हाउसवाइफ का मतलब है कि पूरे घर को मैनेज करना, पूरा घर देखना, घर में क्या खाना बनना है, घर की साफ सफाई है, कपड़े धोने हैं, सब सारे लोगों को लुक आफ्टर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टाइम टेकिंग टास्क। जो हाउसवाइफ्स होती हैं दे डू नॉट गो एनीवेयर टू वर्क, लेकिन वो घर पे ही उनके पास इतना ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों की मम्मियां हैं तो हाउसवाइफ होंगी और सम ऑफ द मदर्स आई थिंक टीचिंग में भी है, टीचिंग प्रोफेशन में भी है। सो नेम द प्रोफेशन ऑफ फादर सर्विस एंड मदर का इसलिए मैंने लिखा है हाउसवाइफ/टीचर। ओके, नाउ हॉट क्वेश्चन आंसर, इसको इरेज कर दूं मैं। If someone has got written, you can write the answer. उसके बाद फिर मैं रेस करती हूँ उसको। ठीक है, अगर किसी का छूट गया है तो आप लिख सकते हो उसको। Now I will raise this. अभी hot question answers करेंगे। Hot. He is higher order thinking skill. Okay, HOTS. First is how does a teacher help us? मतलब एक teacher हमारी कैसे help करती है? How does a teacher help us? A teacher helps us by teaching different subjects. कैसे teacher हमें help करती है? अलग अलग subject क्यों पढ़ाते हैं? And by telling us different type of good things, by telling us stories. सिर्फ subjects ही तो नहीं पढ़ाते, teachers subject पढ़ाने के साथ साथ और stories सुनाते हैं और अच्छी अच्छी आप लोगों को बातें सिखाते हैं, अच्छी अच्छी moral values सिखाते हैं। ठीक है, तो how does a teacher help us? Teacher helps us by teaching different subjects and by telling us many and by telling us many good things such as moral values. A teacher helps us by teaching different subjects and by telling us many good things such as moral values. They also tell us stories. Okay, they also tell us stories. Written? Those who have not written the answer can write it. How does a teacher help us? A teacher helps us by teaching different subjects and by telling us many good things such as moral values. They also tell us stories. Now question number 2 is who is a photographer? Who is a photographer? A photographer is
person who claims photograph. Who is a photographer? A photographer is the person who clicks photographs. Photographer किसे बोलते हैं? Photographer is the person who clicks photographs. जो photograph click करता है. Everyone has written. लिख लिया सबने? In your book only two question answers are there, but I will give you few more. ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ two question answers है मॉक्स में, but मैं और भी question answers दूंगी. ठीक है, ये रख कर दूं सबने लिख लिया. Should I write this? Question number 3 is who delivers letters to different houses. Who delivers letters to different houses? मतलब घरों में जा जा करके लेटर जो है वो कौन डिलीवर करता है? डिलीवर करना मतलब देना. कौन देता है घरों में जाकर के लेटर? कौन देता है? A postman delivers letters to different houses. Postman का क्या काम है? Postman collects the letters, packages, parcels, जो भी चीजें post office में आती हैं, postman का काम है कि वहां से चीजों को collect करके एड्रेस के अकॉर्डिंग घरों में ले जाकर के देना. दैट इज द जॉब ऑफ अ पोस्टमैन. जो पोस्टमैन होता है जिसको हिंदी में डाकिया कहते हैं, ये उसका काम है. पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स आते हैं, जो स्पीड पोस्ट आता है, पैकेट है, पार्सल है, जो कुछ भी पोस्ट ऑफिस में आता है, पोस्टमैन जो है वो सॉर्ट आउट करता है. एंड देन इट इज हिज जॉब टू टेक देम टू डिफरेंट एड्रेसेस. अलग अलग एड्रेस पे ले जाकर के देना पोस्टमैन का काम है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज अ प्रोड्यूसर डू. व्हाट डज अ प्रोड्यूसर डू. प्रोड्यूसर क्या काम करता है? प्रोड्यूसर का क्या काम है? प्रोड्यूसर, जैसे मैंने बताया था, देर आर टू पीपल, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. प्रोड्यूसर जो होता है वो फिल्मों को प्रोड्यूस करना, फिल्म है, मूवी शो, जो मूवीज होती है, टीवी शोज है, उनको जो प्रोड्यूस करते, जो मनी लगाते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते, दे आर द प्रोड्यूसर. एंड डायरेक्टर जो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मूवी को या टीवी शो जो भी है उसको डायरेक्ट करते हैं. सो व्हाट डज अ प्रोड्यूसर डू? अ प्रोड्यूसर मेक्स मूवीज और टीवी शो. प्रोड्यूसर का क्या काम है? अ प्रोड्यूसर मेक्स मूवीज और टीवी शोज. प्रोड्यूसर जो है वो या तो मूवीज बनाते हैं, मूवीज या
बनाना उनका काम है. प्रोड्यूसर इज एन एंटरटेनर, जैसे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है. सिंस दीज पीपल डायरेक्टली दे आर नॉट एंटरटेनिंग अस, जो प्रोड्यूसर है या जो डायरेक्टर है वो हमें डायरेक्टली तो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं. लाइक एक्टर एक्ट्रेसेस, जो लोग फिल्मों में, मूवीज में या टीवी शोज में काम करते हैं वो हमारा डायरेक्ट एंटरटेनमेंट करते हैं. बट प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, दे आर नॉट डायरेक्टली एंटरटेनिंग अस, या हमें डायरेक्टली एंटरटेन नहीं कर रहे हैं. बट दे आर इन्वॉल्व विद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. जो मूवीज और टीवी शोज जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो ये डायरेक्ट हमें एंटरटेन नहीं करते, बट दे ऑल आर एसोसिएटेड विद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. अगर ये मूवीज या टीवी शोज बनाएंगे नहीं तो हम देखेंगे क्या? अगर ये नहीं बनाएंगे तो वी विल डायरेक्ट देम. स्टोरी चाहिए, स्टोरी के बाद कौन उसे पैसे लगाएगा, उसको डायरेक्शन होगा. तो जब तक सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब तक सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, मूवीज है या टीवी शोज है बनी भी पाएंगे? और अगर नहीं बनेंगे तो हम देखेंगे क्या? क्या देखेंगे हम जब अगर बनेंगे नहीं? तो इसीलिए दे डू नॉट एंटरटेन अस डायरेक्टली, लेकिन ये सारे लोग उसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से. हम स्क्रीन पे तो सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस को देख पाते हैं, चाहे वो मेन एक्टर हीरो हीरोइन हो या साइड रोल वाले या जो भी लोग उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उनको देख पाते हैं. और बिहाइंड द सीन, मतलब उस सीरियल को बनाने में या उस मूवी को बनाने में जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनके बारे में तो हमें नहीं पता. वी डू नॉट सी देम, मालूम तो है बट वी डू नॉट सी देम. प्रोड्यूसर इज देयर, डायरेक्टर इज देयर, स्टोरी राइटर इज देयर, डायलॉग राइटर इज देयर, म्यूजिक कंपोजर इज देयर, ठीक है, इतने लोग हैं उसमें म्यूजिक कंपोजर. उसके अलावा कितने सारे टेक्नीशियंस होते हैं. मूवी बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत सारे उसमें टेक्नीशियंस होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. दे ऑल वर्क बिहाइंड द सीन, वो सब सीन के पीछे काम करते हैं, हम उनको देख नहीं पाते. एंड बहुत लोगों के हमें नाम भी नहीं पता होता है. जब कोई मेन कोई मूवी आती है तो वी ओनली नो द मेन पीपल, हु इज द डायरेक्टर, हु इज द प्रोड्यूसर, हु इज द मेन सिंगर, हु इज द फीमेल सिंगर, किसने म्यूजिक कंपोज किया, हमको बस इतनी ही चीजें पता चलती हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स, एज आई टोल्ड यू, लाइफ स्किल्स आर द स्किल्स विच वी लर्न फ्रॉम अवर एनवायरमेंट. लाइफ स्किल्स होती है जो हम अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, अपने घर में जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, उनको देख करके सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंस से जो हम चीजें सीखते हैं, दे आर लाइफ स्किल्स, ठीक है. जीवन कौशल हिंदी में बोलते हैं. जीवन कौशल, लाइफ स्किल, दैट इज द स्किल्स विच आर हेल्पफुल टू अस इन आवर डे टू डे लाइफ. मैं हर बार ये बताती हूँ कि जो हमको हमारी डेली लाइफ में जो काम आती है, जो स्किल्स, दे आर लाइफ स्किल्स, ठीक है. लाइफ स्किल्स में अमंग द प्रोफेशन ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स के प्रोफेशन में, विच वन डू यू लाइक बेस्ट, मतलब आपके पेरेंट्स के जो प्रोफेशन है उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगता है. पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों आते हैं, ठीक है. अमंग द प्रोफेशन ऑफ योर पेरेंट्स, विच वन डू यू लाइक द बेस्ट, मतलब अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन में आपको क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर, रादर वी शुड नॉट कंपेयर, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि मम्मी पापा दोनों के, हमारे दोनों पेरेंट्स हैं एंड दोनों का जो ड्यूटी, जो उनकी जो भी काम है, उनकी ड्यूटीज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है. फादर गोज आउट ऑफ द हाउस, फादर वर्क्स, बाहर काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी जिसके फादर जो भी काम करते हैं, ऑफिस जाते होंगे, मे बी किसी को दूसरे ऑफिस जाता होगा, कोई अधिकतर बच्चों के पेरेंट्स सबके फादर डिफेंस सर्विसेज में हैं, ठीक है. तो पापा ऑफिस जाते हैं, बाहर की चीजें देखते हैं, बाहर का सारा काम मैनेज करते हैं. मम्मी क्या करती है, मम्मी सारा घर का काम देखती है. घर संभालना भी बहुत मुश्किल काम है, सुन के लगते हैं कितना आसान काम है, क्या करना है, सारा दिन घर पे रहते हैं, लेकिन घर संभालना, घर देखना बहुत मुश्किल काम है. सारा दिन घर पे रहते जरूर है, लेकिन घर
कि सारे दिन घर की साफ सफाई करनी है, घर में जितने मेंबर्स हैं सबके लिए खाना बनाना है, अच्छा जी क्या करना, क्या सामान खत्म हो गया, नया सामान लाना है, सब्जी क्या है क्या नहीं है, किसको क्या पसंद है, कपड़े धोना, कपड़े सारी चीजें मैनेज करना। हाउस वाइफ जो मम्मी होती है अगर बाहर काम करने नहीं जाती है तो शी हैज टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एट होम। घर पे उनको हर एक चीज को लुक आफ्टर करना होता है। सुबह आप स्कूल जाते हो, आपको उठाना, तैयार करना, नहलाना, आपका टिफिन बनाना, सारा काम मम्मी का है। पापा ऑफिस जाते हैं, पापा को टिफिन बना करके देना। अभी तो आप लोग चलो घर पे हो, तो घर पे अगर वो टिफिन नहीं देना है तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, झाड़ू पोछा करना है, कितना सारा घर में काम होता है। ठीक है, तो पेरेंट्स के दोनों काम को हम कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेयर द प्रोफेशन ऑफ आवर पेरेंट्स। अगर मम्मी किसी भी प्रोफेशन में, वेदर शी इज अ हाउस वाइफ और शी इज इन टीचिंग प्रोफेशन और मे बी शी इज इन सम अदर प्रोफेशन, चाहे ऑफिस भी जाती हूँ, जो भी करती हूँ, हम दोनों के प्रोफेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि पापा दूसरे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पापा घर के बाहर की जो चीजें हैं वो सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज्यादातर अधिकतर घरों में ऐसा ही होता है और मम्मी जो है वो घर के अंदर की सारी चीजें देखती हैं। प्लस आपको साथ में आपको देखना, आपका होमवर्क कराना, आपका वर्क कराना। अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी घर पे अगर है तो आपके साथ बैठकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, क्लास अटेंड करवाना, आपको वर्क करवाना, ये सारा काम किसका है? ये सारा काम मम्मी का है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सारा काम मम्मी का है, रादर ये सारा काम मम्मी करती है। सारा काम ये सब मम्मी करती है ना, आपको सुबह मॉर्निंग में उठाना, तैयार करना, ब्रेकफास्ट बना करके देना, क्लास के लिए तैयार करना, जब स्कूल जाते हो तो स्कूल के लिए तैयार करती हैं। अभी स्कूल नहीं जा रहे हो आप तो घर से क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो क्लास के लिए तैयार करना, उसके पहले ब्रेकफास्ट देना, आप अच्छे से बैठ के प्रॉपरली अटेंटिवली क्लास अटेंड करो, उसको देखना, जो वर्क आता है वर्क करवाना नोटबुक में, ये सारा काम नॉर्मली अधिकतर घरों में मम्मी करवाती है। तो वी कैन नॉट कंपेयर द वर्क ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के काम को हम कंपेयर नहीं कर सकते प्रोफेशन के। ठीक है, सो इसका आंसर मैं तो यही बोलूंगी कि हमें दोनों का प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है, चाहे मम्मी हाउसवाइफ हो या कोई भी काम करते हो या पापा जो भी काम करते हो। ठीक है, दोनों का प्रोफेशन हमको पसंद है। वी कैन नॉट कंपेयर देयर प्रोफेशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर टू इज यू माइट बी हैविंग अ मेड एट होम। ठीक है, घर पे आपके मेड होगी, हाउ डू यू बिहेव विद हर। मेड मतलब जो डोमेस्टिक हेल्पर होती है, घर पे जो डोमेस्टिक हेल्पर होती है, तो आपके घर पे डोमेस्टिक हेल्पर होगी, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो। डोमेस्टिक हेल्पर है, शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। मेड है, डोमेस्टिक हेल्पर है, वो भी ह्यूमन बींग है, तो हमको उनके साथ वी शुड बिहेव देम इन अ वेरी रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड मैनर। ठीक है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, नो वर्क इज स्मॉल। कोई काम छोटा या कोई काम बहुत इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता, जो जो काम कर रहा है। अगर डोमेस्टिक हेल्पर आती है घर में, मम्मी की हेल्प करती है, जस्ट इमेजिन कि अगर वो नहीं आए तो मम्मी के पास कितना काम हो जाता है। एक दिन अगर डोमेस्टिक हेल्पर ने छुट्टी ले ली तो कितना सारा हमारे पास काम हो जाता है। तो डोमेस्टिक हेल्पर भी जो है they are a very important part of our life. Domestic helpers हमारी life के बहुत important एक part है और उनके साथ हमें बहुत उनको पूरी respect देना चाहिए, उनके साथ मतलब respect है, regard है, उनको पूरी हमें इज्जत देना चाहिए। We cannot say कह रहे ये तो domestic helper है, इससे हम अच्छे से बात नहीं करेंगे, ये तो बहुत छोटे लोग हैं। No, very bad. अगर ऐसा कोई सोचता है तो this is very bad, extremely bad. ठीक है, domestic helper, everyone is a human being. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन इज अ ह्यूमन बींग, तो हमको सबके साथ जैसे हम एक ह्यूमन बींग को दूसरे ह्यूमन बींग के साथ जैसे बिहेव करना चाहिए। वी शुड बिहेव विद द डोमेस्टिक हेल्पर्स, जो मेड्स होती है उनके साथ हमको बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना चाहिए लाइक वी आर सपोज टू एज अ ह्यूमन बींग, जैसे हमें दूसरे ह्यूमन बींग के साथ बिहेव करना चाहिए। डोमेस्टिक हेल्पर्स के साथ हमें बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, सो दिस चैप्टर इज ओवर, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8, दैट इज
गुड फूड. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का हमारा रिवीजन खत्म हो गया एंड वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8 विच इज गुड फूड इन द नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू सो मच.